फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेकपुक पे। यहाँ पे है एम्ब्रेन की वाइस क्रेस्ट प्रो। थोड़ा सा लेट हो गया गाइस लेके आने में, बट गाइस कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अलग ही रिव्यू करते हैं, अच्छी तरीके से रिव्यू करते हैं वॉचेस का। तो गाइस तरीके से बॉक्स आपको मिल जाता है और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है। ये जो एम्ब्रेन की वाइस क्रेस्ट है उसका अपग्रेड है बेसिकली क्रेस्ट प्रो करके, और इसकी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 600 यूनिट्स की पीक ब्राइटनेस है। फायरबोल्ट की स्फीयर भी इस तरीके से मिलती है, बट स्फीयर के साथ मैं जरूर इसका कंपैरिजन लेके आऊँगा। फिलहाल ये गाइस आपको टोटली रगेड बिल्ड के साथ मिलती है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। इस तरीके की अनबॉक्सिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। यहाँ पे हमारा टेकबुक चैनल टेलीग्राम वाला दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं, लूट डील भी शेयर करते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने लूट डील शेयर की वहाँ पे, और इधर की साइड हमारा इंस्टाग्राम हैंडल होगा, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना बिल्कुल भी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना कहीं मत जाना, बेल आइकन को बिल्कुल ऑल कर दो। यहाँ पे इसका बेस्ट बेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, आप जाके इसको बाय कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे कोई भी अलग से आपको वो नहीं मिलती, दो सील मिलती है बेसिकली, उसको आपको वो करना पड़ता है। और फिलहाल मेरे पास तो सीज़र है नहीं, तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इधर की साइड से यहाँ से निकल जाता है, और इधर की साइड से इसको हम पूरा प्रॉपर निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पीछे की साइड से आगे धक्का दोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। अंदर फिर से सील मिलती है, यही तो है एम्ब्रेन की खासियत, मतलब डबल डबल सील, ट्रिपल ट्रिपल सील देता है। यहाँ पे इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको भी लगा देते हैं साइड में, और इसको फिर से निकाल लेते हैं इधर की साइड से। तो इसको ज़्यादा सिक्योर पैकिंग कर रखी है यहाँ पे, वॉच तो हिल नहीं सकती इसमें, बट अंदर हिल रहा है कुछ, क्या पता वॉच इधर उधर पड़ी हो, नहीं वॉच ही रही। और ये कुछ यूज़र गाइड है, और ये वारंटी इन्फॉर्मेशन कुछ और। गैस वॉच काफ़ी बड़ी लग रही है, काफ़ी रगेड लग रही है फर्स्ट ग्लैंस में, तो मैं इसको निकालता हूँ। ओके, ये चार्जिंग केबल है, और ये रही वॉच इटसेल्फ। वॉच मैंने थोड़ा सा अलग एक्सेंट में मंगाई थी, और ये थोड़ा आर्मी टाइप का लगता है, लुक फील बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका, देख सकते हो गैस मेटेलिक बिल्ड है गैस इसका। और ये रिंग पूरी मेटल की है, और ये हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलता है 1.52 इंचेस का, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये रोटेटेबल क्राउन भी मिल जाता है, ठीक है। तो गैस चलिए इसको हम चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया इसका ये, और स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी रगेड है, स्ट्रैप की क्वालिटी भी। ये आपको मिल जाता है हार्ड TPU टाइप का मटेरियल, और 22mm आफ्टर मार्केट का स्ट्रैप इसमें लगेगा मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म कर दूंगा। वैसे 22 ही लग रहा है, देख सकते हो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा है बेसिकली, मैं कंपेयर करके दूसरी वॉच से आपको बता दूंगा। यहाँ पे स्पीकर कमेंट मिलता है, और काफ़ी मोटी वॉच है, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी ज़्यादा होना चाहिए वैसे इसका। यहाँ पे चार्जिंग क्लिपेंस मिल जाती है, यहाँ पे इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये आपको कुछ यहाँ पे, तो गाइस ये निकल नहीं रहा है थोड़ा सा, हाँ देख सकते हो इस तरीके से मिल जाता है एम्ब्रेन की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे तीन बटन्स मिलती है बेसिकली, एक रोटेटेबल वाली, एक मेन्यू पे जाने के लिए, एक यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड के लिए नीचे वाली। शायद पूरा स्पोर्टी लुक है गाइस ये, और ये लार्ज रिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी है, थिन रिस्ट पे नहीं चलेगी, मीडियम रिस्ट पे भी नहीं चलेगी। देखो मेरे रिस्ट पे भी काफ़ी बड़ी लग रही है, तो मेरे को मेरे रिस्ट पे भी काफ़ी बड़ी लग रही है वॉच, ठीक है। तो वैसे मतलब मीडियम रिस्ट पे लगभग चल सकती है, बट यहाँ पे एकदम श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे मीडियम रिस्ट हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे वॉच काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है मेरे हाथों पे भी, ठीक है। तो गाइस इसको चलिए ऑन करते हैं, फर्स्ट बूट करते हैं, होपफुली इसमें बैटरी हो यहाँ पे, और यस इसमें बैटरी है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी कैसी मिलती है। ओके गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वो नहीं मिलता, मतलब पूरा का पूरा एजेस तक दिया गया है ये डिस्प्ले, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं सिंगल बिट की कनेक्टिविटी है वैसे भी, यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन मेरे को ढूंढना था एक्चुअली, टॉर्च लाइट, तो टॉर्च का ऑप्शन नहीं है गाइस, इसमें टॉर्च का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये फ्लॉ है कहीं ना कहीं इस वॉच के अंदर। यहाँ पे इस तरीके से रोटेटेबल क्राउन मिल जाता है, और वॉच फेस मिल जाते हैं, कितने मिलते हैं मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे इस तरीके से पता नहीं चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 मिलते हैं बेसिकली वॉच फेसेस इसमें आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एज टू एज डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोने तक खींची गई है, काफ़ी अच्छा है, और लाइव वॉच फेस देखने को मिलता है ये वाला, ठीक है। और इस तरीके से आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी फर्स्ट ग्लैंस में। ऊपर की साइड से स्वाइप करते ही टॉगल मेन्यू मिल जाता है सारा का सारा, तो ये न्यू UI मिल जाता है बेसिकली। ये क्या है, यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हो इस तरीके से, और इसी के साथ साथ यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे ब्राइटनेस सेल्स मिल जाते हैं। ब्राइटनेस अभी हाफ थी, अभी मैंने फुल कर दी है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट वॉच हो जाती है, देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा ब्राइट है। डेफिनेटली यहाँ पे
ब्राइटनेस लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, 600 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पे दिखती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पावर सेवर मोड में जाता है, यहाँ पे मीडिया ऑडियो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ साथ सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे सेटिंग में डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले में वॉच फेस स्विच का ऑप्शन मिलता है, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो और स्क्रीन टाइम यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे 30 सेकंड तक का मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेस्ट वेक का ऑप्शन मिलता है, AOD का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये एक यूनिक चीज़ में ऐड करी गई है AOD, अब मतलब बहुत सारी कंपनी नहीं भी देती है, बहुत सारी वॉचेज में मिल भी जाता है, मतलब LCD डिस्प्ले उसके बावजूद भी AOD का ऑप्शन दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे बैटरी ज़्यादा खाएगी, अब बैटरी कितनी खाएगी वो तो मैं एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, फिलहाल तो यहाँ पे हमको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, यही काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद बैटरी का ऑप्शन मिलता है, रिंग एंड वाइब्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, रिंग वाइब्रेशन म्यूट पर आप कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओके यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ वाइब्रेशन इंटेंसिटी बढ़ा घटा सकते हो, रिंग वाइब्रेशन और म्यूट प्रॉपरली मिल जाता है। लैंग्वेज यहाँ पे सेट कर सकते हो, यहाँ पे हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करता है क्या, नहीं हिंदी तो नहीं कर रहा है। पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और दैट्स इट, सिस्टम में रिस्टार्ट, पावर ऑफ, शट डाउन, ये सब चीज़ें। और ऊपर की साइड से यहाँ पे ये देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वॉच फेस है ये वाला, और नीचे की साइड से यहाँ पे वो मिल जाते हैं, मतलब आपके स्पोर्ट्स मोड, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। 60Hz का सैम्पल रेट नहीं है बेसिकली इसमें, तब भी स्मूथ है वैसे डेफिनेटली। यहाँ पे इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो, क्राउन से भी आप यहाँ पे मल्टी फंक्शंस को वो कर सकते हो, डबल टैप करके मेन्यू भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे 3 से 4 मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। तो वापस से हम ये लिस्ट वाले भी कर लेते हैं, अब हम सारी की सारी चीज़ चेक करेंगे गाइज। एक और सिंपल सा मेरी एक वो है आप सभी से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल कर दीजिए, इस तरीके के अपडेट्स के लिए, इस तरीके की अनबॉक्सिंग के लिए सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाती है आपको, ठीक है। और हम डीप डाउन रिव्यू करते हैं, टेलीफोन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, कॉल रिकॉर्ड्स अभी हम चेक करेंगे जब फोन से पेयर करेंगे, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, डाटा मिल जाता है, वर्कआउट मोड मिल जाता है, अभी हम वर्कआउट भी चेक करेंगे, वर्कआउट रिकॉर्ड्स का ऑप्शन मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, देखते हैं डेडिकेटेड सेंसर है कि नहीं इसके अंदर, वो चेक करना है यहाँ पे। यहाँ पे ओवर द एयर यहाँ पे तो नहीं बताएगा मेरे ख्याल से, वैसे मैक्सिमम वॉचेस नहीं बताती हैं, बट हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे वॉच में सेंसर है कि नहीं डेडिकेटेड। देखो ग्रीन एक्सर का सेंसर जल रहा है, उसके बाद ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, ये फालतू का दिया गया, मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता देने का। SpO2 लेवल मॉनिटर देखते हैं यहाँ पे, रेड एक्सन का सेंसर है, यस गैस डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है। वेदर अपडेट्स है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, और वॉच में भी सुन सकते हो। अभी हम लाउडनेस चेक करेंगे, इतनी मोटी वॉच है तो लाउडनेस बहुत तगड़ी होनी चाहिए इसकी। और टाइमर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, अलार्म क्लॉक, अलार्म लगा नहीं सकते, ये फ्लॉ है थोड़ा सा, अलार्म लगाने का ऑप्शन होना चाहिए था। यहाँ पे गेम भी मिल जाता है, स्लाइडर अनलॉक का कुछ टाइप का मिलता है, ओके ये नया गेम दिया गया इसके अंदर, कैसे है एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ओके इस तरीके का गेम मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे गेम्स तो डेफिनेटली यहाँ पे नया गेम इसमें ऐड किया गया, 2048 तो हम तो पता ही है सबको। कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, कैलेंडर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी बात है। और उसके बाद क्या मिलता है, कैलेंडर के बाद कहाँ गया डाटा, और कैलकुलेटर भी मिल जाता है वॉच में, ये भी अच्छी बात है। फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है, कंपास का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो कंपास है इसके अंदर यहाँ पे, इस तरीके से वो बनाना पड़ेगा पहले, तो आई डोंट नो यहाँ पे कैसे यहाँ पे घुमाना पड़ेगा इसको, मेरे से हो नहीं रहा एक्चुअली यहाँ पे, मैं तो गाइस आपके सामने कर लिया, मैं चेक कर लूँगा इसको फिलहाल। और कैमरा शटर मिलता है, सेटिंग का ऑप्शन वापस से आता है, तो गाइस इस तरीके से मिल जाता है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से कि चीटिंग के लिए हम कौन सी वॉच यूज़ कर सकते हैं, गाइस चीटिंग के लिए कोई भी वॉच यूज़ नहीं कर सकते आप, एग्जाम में अलाउड ही नहीं होती है स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। तो इस तरीके से मिल जाता है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको पेयर करके देखते हैं कौन सी एप्लीकेशन से पेयर होगी, क्या कुछ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे यहाँ पे पेयर किससे होगी, यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन तो होगा कहीं ना कहीं, वैसे बॉक्स में मिल जाता है आपको, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये रहा एप्लीकेशन कौन सी है, एप्लीकेशन का नाम नहीं है, चलिए इसको QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। सो गाइस ये रही एप्लीकेशन एम्ब्रेन वियर करके है, ठीक है, एम्ब्रेन वियर ऐप, चलिए कोई बात नहीं हम यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब इसको पेयर कर लेते हैं अपनी वॉच के साथ, ठीक है, विदाउट लॉगिन से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन को, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन भर देना, उसके बाद आपका ये नेक्स्ट चली जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो चुका है, सेव करना है, नेक्स्ट, दैट्स इट। अब यहाँ पे सर्च करेगा ये वॉच को, ठीक है,
सर्च करते हैं यहाँ पे अलाउ, और यहाँ पे आ जानी चाहिए वॉच, ये रहा क्रेस्ट प्रो सबसे लास्ट में, ठीक है, और यहाँ पे यस कर देना आपको, अलाउ कर दें अलाउ, और यहाँ पे पेयर कर देना, ठीक है पेयर हो चुकी है। अब कॉलिंग वाला फीचर चेक करते हैं, यहाँ पे मीडिया ऑडियो ऑन कर देते हैं, यहाँ पे कॉलिंग चेक करके देखते हैं यहाँ पे कनेक्टेड है कि नहीं। गैस में पता नहीं क्यों मेरे को इस फेयर जैसा सेम यूआई लग रहा है, जिससे तो लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा लाउडनेस है। ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और वापस से वॉच में भी ले सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट चेक करते हैं एक बार, कॉल 198, आई डोंट नो ये बताया नहीं इसने, कॉल 198, तो गैस कॉल भी लगवा सकते हो इससे, ठीक है आप, तो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है वॉइस असिस्टेंट। अब गैस यहाँ पे एप्लीकेशन को चेक करते हैं धीरे धीरे करके, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरफेस मिलता है, डिवाइस पे जाते हो यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है, पुश नोटिफिकेशन आपको ऑन कर दें यहाँ पे, इधर की साइड से आपको अलाउ कर देना, ऑल कॉल रिमाइंडर पे जाते हो यहाँ पे, तो सारे के सारे जो कॉल आएंगे ना आपके नाम शो करेगा यहाँ पे प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे अलाउ करना है कन्फर्म, यहाँ पे एप्लीकेशन को आपको अलाउ कर देना है एम्ब्रेन वीयर को, ठीक है वॉच में आने लगेंगे, ठीक है ये आप सब अलाउ कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपका एक्टिविटी अलार्म्स, ठीक है यहाँ पे इस तरीके से आप लगा सकते हो, 5:11 हो रहा है तो 5:12 का हम लगा लेते हैं एक बार, 5:13 का लगाते हैं, ठीक है लग चुका है, देखते हैं अभी रिंग करेगा वाइब्रेट करेगा। एक्टिविटी रिमाइंडर मिल जाता है, वेदर रिपोर्ट मिल जाता है, डायल लाइब्रेरी यहाँ पे, वॉच फेस मिल जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने वॉच फेस मिलते हैं आपको बेसिकली, तो यहाँ पे वॉच फेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ओके 100 तो हैं ही मेरे ख्याल से, यहाँ पे थोड़ा लोड होने में दिक्कत हो रही है, नेट थोड़ा मेरा सही तो है, 857 KB तो खींच रहा है यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे वॉच फेस भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बच्चों वाले हैं, सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे भी मिलते हैं यहाँ पे, इस तरीके से मिल जाता है। एक लगा के दिखते हैं यहाँ पे, 338 KB का है, 1 MB तक का मैक्सिमम इसमें लग सकता है, वैसे 338 KB का हम लगा रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे लग चुका है, देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर लग रहा है, क्लैरिटी बेटर है बेसिकली, इसी वजह से माई डायल पे जाते हैं यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे एडिट वगैरह करते हैं, नहीं हटा सकते हो बेसिकली, और ऐड यहाँ पे ही करना पड़ेगा आपको, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाना है तो यहीं पर आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर इस पर टैप करना है और यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे रिंग हो रहा है, रिंग नहीं हो रहा है, वाइब्रेट हो रही है जब अलार्म बज रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा के देखते हैं, यहाँ पे वाली पिक लगा के देखते हैं एक बार, डन करते हैं, और यहाँ पे फेस पे टाइम आ रहा है, टाइम को हम यहाँ पे पोजीशन हाँ चेंज कर सकते हैं, तो इस लास्ट तो यहीं पर ही आ रहा है, फेस पे आ रहा है, इधर की साइड आ रहा है, नीचे ही ठीक है फिर तो, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे डन करते हैं, कन्फर्म करते हैं। सो गाइस यहाँ पे लग चुकी है और ओके काफ़ी क्लियर है, क्रिस्प पिक आती है यहाँ। तो गैस यहाँ पे टन्स ऑफ वॉच फेस और मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे पुश स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, और स्पोर्ट्स मोड्स आप पुश कर सकते हो, गेम पुश का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो गैस गेम भी डाल सकते हो इसमें, ये तो काफ़ी अच्छी बात है गैस। यहाँ पे ब्लॉक ब्रेकर और है क्या कोई, नो गैस इसमें दो ही हैं, इस तरीके से गेम्स को भी आप पुश कर सकते हो वॉच में इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे सिंक कर सकते हो वाले गेम को, और ये वाले आपकी वॉच से सिंक्रोनाइज हो जाएगा, वो हट जाएगा इसमें से गेम मेरे ख्याल से, अभी चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये इसमें फीचर बहुत अच्छा लगा, 10 कंटेंट को आप ऐड कर सकते हो, 10 से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते, ठीक है ये ध्यान रखना। सो गाइस गेम पुश हो चुका है, साथ साथ शेक टू पिक्चर और डिवाइस इंफॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे, गेम यहाँ पे चेक करा अपडेट आया है कि नहीं वो वाला, तो गाइस अपडेट अवेलेबल नहीं है, तो गाइस ये गेम करप्ट है, ये वाला गेम चल रहा है, सारे गेम चल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, तो मे बी यहाँ पे इन फ्यूचर कंपनी और भी गेम ऐड कर सकती चाहे तो अपडेट के थ्रू, मतलब ऐप से सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है तो ये तो होगी सारी की सारी चीज़ें। अब एक काम करते हैं दूसरे फोन से कॉल कर देते हैं यहाँ पे, उससे पहले एक चीज़ और चेक करते हैं, यहाँ पे चल नहीं रहा है,
कॉलिंग वाला थोड़ा सा वेट कर लिया, थोड़ा सा स्टार्ट होने के बाद लॉगिन चेक कराया, उसके बाद रेस्ट वेक इनेबल कर रखा मैंने यहाँ पे, और हार्ट रेट मॉनिटर भी ऑन कर सकते हो, फाइंड वॉच का ऑप्शन मिल जाता है, वाइब्रेट करती है वॉच, और यहाँ पे क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सेव कर सकते हो, कितने कर सकते हो चेक कर लेते हैं, नो डाउट गाइस बहुत ज़्यादा लाउड है। तो यहाँ पे नंबर आ रहा है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट को सेव करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, यहाँ से करना यहाँ पे, तब तक यहाँ पे नाम स्टॉप प्लेस भी कर सकते हैं यहाँ पे, वैसे क्विक रिप्लाई का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, उठाने का और कट करने का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, सेटिंग्स में जाता है यहाँ पे, लाउडनेस भी अच्छी होती है, और इवन यहाँ पे ऑडियो मोड ऑफ काम करते हैं यहाँ पे, तो सिंपल आपको दो चीज चेक करनी है लास्ट शायद, हाँ यहाँ पे यहाँ पे वॉकिंग वाला चेक करना है और मीडिया ऑडियो ऑफ कर देनी है, आपका कॉल लगेगा, तीन स्टेप्स में चलते देखता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं कॉल लगा के दिखाऊं आपको, कॉल लगेगा, तो यहाँ पे स्मूथनेस भी अच्छी मिलती है, यहाँ पे इवन 68 का सैंपल रेट बोला भी नहीं कंपनी ने, उसके बावजूद यहाँ पे स्मूथनेस अच्छी दे रखी है, और यहाँ पे देखो कॉलिंग भी कनेक्टेड है उसके बावजूद भी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कॉल लगा के देखते हैं दूसरे फ़ोन से, और इसमें यहाँ पे रिंग का ऑप्शन आता है, वाइब्रेट का ऑप्शन आता है, वो चेक कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने वॉच को पहन लिया है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे ऑक्सीमीटर को मैंने वेयर कर लिया है, 96 स्पीड दिखा रहा है, हार्ट रेट हमारा 90 दिखा रहा है, ठीक है, इसमें 105 दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा ही है, ओके अब दोबारा करेगा, यहाँ पे 92 दिखा रहा है, यहाँ पे 101 दिखा रहा है, डोंट नो कुछ ज़्यादा ही है गाइस, बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 100 हो चुका है, ओके क्लोज टू एक्यूरेट दिखा रहा है, हार्ट रेट तो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पे 54 स्टेप चले मैंने यहाँ पे, और 60 दिखा रहा है, रिकमेंड नहीं करता एक्यूरेट, सिंपल सी बात है, ये वॉच आपको जिस प्राइस ब्रैकेट में मिल सकते हो गाइस, ओके मतलब 2500 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, काफी ज्यादा रगेड वॉच है डेफिनेटली, यहाँ पे काम करते हैं लास्टली, और यहाँ पे वेट होने सारे ऑप्शंस को कवर करते हैं, गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन स्क्रीन जाती है, यहाँ पे ऑक्सीमीटर का ग्राउंड में जाता है, फाइनल कंट्रोल आपको देता हूं, यहाँ पे गाइस सारे के सारे बॉक्सेस को टिक करती है, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूं आप इसको डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो, जिसको एक रगेड वॉच चाहिए, जिसको मतलब बहुत ज्यादा रफली वॉच को यूज करता है, उसके लिए एक वॉच बनी हुई है, ठीक है, तो गाइस आप ग्रैब करना मत भूलना, ये सिंपल सा अनबॉक्सिंग है, रिव्यू था आप सभी के लिए, वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन।